हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कॉलीफ्लावर का वेज लॉलीपॉप बना रही हूँ। सबसे पहले हम कॉलीफ्लावर को लॉलीपॉप के शेप में काटेंगे और अब हम इसे बॉईल करेंगे। गैस चालू किया, थोड़ा नमक डालेंगे ताकि इसके अंदर ये हो जाए। पानी डालेंगे इसमें ताकि अच्छे से बॉईल हो सके। वेसल में बनाने जा रही हूँ वेसल, इसमें ढक्कन धर दें, पहले ढक्कन धर रख देंगे। इसको हमने बॉईल जो किया था उसका पानी निकाल दिया है हमने। अब इसमें हम सारा मसाला मिक्स करेंगे। मैंने मसाला लिया है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और वो कॉर्नफ्लावर। मैंने मसाला बनाया है, कॉर्नफ्लावर का आटा रहता है, आटा है उसमें थोड़ा मिर्ची डालने का, और ये अपना घर में भी बना सकते हैं। और ये अदरक, जिंजर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक, इसमें हम थोड़ा मसाला मिलाएंगे। सरसों ऑयल, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से और आधा घंटा के लिए इसको, आधा घंटा के लिए इसको थोड़ा भिगा देंगे, छोड़ देंगे ताकि वो सारा मसाला अंदर चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। आज इसमें जो मसाला मैंने स्टफिंग डाला है वो एब्जॉर्ब हो जाए इसमें, ताकि हम लोग फ्राई कर सके अच्छे से। भी डालेंगे यानी धनिया का पत्ता, देखिए कितना अच्छा कलरफुल हो गया है। और इसको आधा घंटा छोड़ेंगे, हो गया है, इसको हम निकालेंगे। ये लो गैस बंद कर देंगे हम। अब इसको हम कोरिएंडर लीफ और नाश्ता के साथ परोस के परोस सकते हैं, इसको खा सकते हैं हम। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड शेयर।